समस्त आदरणीय जनों को सादर प्रणाम। जैसा आप देख रहे हैं, जनपद में विगत करीब 10 वर्षों से यह संस्थान आप लोग के लिए सेवा का कार्य कर रहा है। एक संकल्प था मन में कि हरिद्वार और केरला जैसी सुविधाएं अपने जनपद रायबरेली में हम लेकर आए हैं। इसी के प्रयास में 2015 में हमने इसकी स्थापना की और यहाँ पर हमारे गुरुदेव का विशेष सहयोग हमारे साथ रहा, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ पर हैं। और अपने जीवन में कई गुरुओं का सानिध्य मिला है, लेकिन परम पूज्य फलाहारी बाबा और अघोरेश्वर भगवान राम और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनको देख करके और वहाँ के संस्थान में गोरखपुर में जाकर देखकर योग की प्रेरणा मन के अंदर जागृत हुई। आयुर्वेद के अध्ययन के बाद पतंजलि योगपीठ में भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके बाद ही ये मन में आया कि हम कुछ अपने जनपद में भी ऐसा करें। और ये संस्थान जो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, क्षार छोत्र और साथ में ही स्वर्ण प्राशन का केंद्र है, जिसे आप लोग वेदांत आरोग्यम, योग वेदांतम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम समस्त रोगों का उपचार आयुर्वेद की दवाइयों से, साथ में योग के माध्यम से, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम इनका उपचार करते हैं और लोगों को अत्यंत लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके साथ में ही करीब 1250 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क शिविर हमने आयोजित किए हैं अपने सभी लोगों के साथ मिलकर। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ हम लोगों को देते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत सक्षम नहीं है तो उसे कम पैसे में 50 रुपये में एक माह का परामर्श का कार्ड भी बनाते हैं और साथ में निःशुल्क। उनकी संख्या भी हमारी करीब 20,000 से ऊपर हो गई है। जैसा आप जानते हैं, नेचुरोपैथी एक ऐसी पद्धति है जहाँ पर प्रकृति के साथ मिलकर के हम ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ पे सहयोगी जो हमारे साथ तन मन धन से अपनी सेवा के रूप में लगे रहते हैं, राम मिलन यादव हैं, विवेक यादव हैं, मनीष कुमार पटेल हैं, ब्रजेश शर्मा हैं, ये लोग अपनी सेवा का कार्य, प्रतिमा मिश्रा और हमारी पत्नी प्रिया सिंह, ये सब लोग मिलकर के हम लोग यहाँ पे कार्य करते हैं। प्रातः काल यहाँ पर एक योग शिविर का आयोजन होता है जिसमें 50 से 60 लोग आते हैं और विशेष रूप से जब हमारे कुछ डॉक्टर संदीप सिंह जी हैं जो MD मेडिसिन है, वो जब यहाँ पर योग और मुद्राओं का अध्ययन कराते हैं तो 100 से अधिक लोग आने लगते हैं। उसके साथ में ही प्रातः 8 बजे से ही यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है। स्टीम बाथ है, मिट्टी पट्टी है, जल नेति है, इसके साथ में विरेचन, वमन, कुंजल, हम यहाँ पर सब रूपों में उपचार करने का प्रयास करते हैं और कम से कम लागत में उनका उपचार करते हैं। साथ में ही औषधीय पौधों का रोपण भी करने का एक संकल्प है। इस जनपद में करीब 250 से भी अधिक पौधे रोपित किए हैं और इस संस्थान में भी हमने बहुत रेयर पौधे, चंदन, रुद्राक्ष, अश्वगंधा, इसके साथ में ही जैसे कि जो पौधे विलुप्त हो रहे हैं, जो फल विलुप्त हो रहे हैं, उनका भी रोपण हम लोग इस संस्थान के माध्यम से करते हैं। भविष्य में ये एक बड़ा मील का पत्थर इस जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए गुरुदेव की कृपा से पूर्ण होगा, ऐसा हमारा संकल्प है। और साथ में ही आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ये संस्थान सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये सेवा और विचार है जो लोगों की प्रेरणा से पूर्ण हो सकता है। बाबा रामदेव जी, श्री रविशंकर जी, जग्गी वासुदेव जी, साथ में ही महर्षि महेश योगी, ऐसे बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य जीवन में रहा है जिनके माध्यम से हमने योग का ज्ञान सीखा है और यहाँ लोगों को निशुल्क वो ज्ञान हम देते हैं। इसके साथ में एक चीज़ और अपने जीवन बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक प्रेरणा मिली सेवा करने की, स्वयंसेवक के रूप में। वो सेवा कार्य भी यहाँ के माध्यम से आरोग्य भारती, पतंजलि योग समिति, गायत्री परिवार के माध्यम से हम करते हैं। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का नाम अगर नहीं लेंगे तो शायद जीवन अधूरा रहेगा और उनकी प्रेरणा से एक छोटा सा यहाँ पुस्तक को का भंडार भी है जो हम यहाँ पर लोगों को देते हैं पढ़ने के लिए। और एक सबसे अद्भुत चीज़ है जो यहाँ पर है, प्रयास ये रहता है जो केरला की, साउथ की जो दवाइयाँ हैं जो बहुत ही रेयर होती, उन्हें भी यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं।